हेलो, माय नेम इज आशीष कुमार, वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं देहरादून का निवासी हूं। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय रायपुर देहरादून से कंप्लीट की है। 97 बैच का मैं टॉपर रहा हूँ देहरादून का। उसके बाद मेरा ध्यान चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ था, मैंने उसी कोर्स को अपने को परस्यू किया। मैंने अपनी सीए की पढ़ाई 1998 में शुरू करी थी। 2004 नवंबर में मैंने अपना सीए पूरा कंप्लीट किया। अपने एकेडमिक के दौरान मैंने अपना एमकॉम कंप्लीट किया, बीकॉम कंप्लीट किया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द फेवरेट कोर्स ऑफ द कॉमर्स ग्रेजुएट्स एज वेल एज कॉमर्स स्टूडेंट्स। और इस सीए के सफर में मैंने ये समझा कि कैसे एक सीए को बनाने में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनको मदद करता है कि वो फोर्थ पिलर ऑफ द इकोनॉमी बन सके। उस आर्टिकलशिप के दौरान मैंने ये सीखा कैसे आपको अपने इनकम टैक्स के मैटर्स को हैंडल करना होता है, कैसे आपको अपने ऑडिटिंग, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन मैटर्स को हैंडल करना होता है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन किसे बोलते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपको कैसे हैंडल करना होता है, बैंक्स को कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि जितने भी हमारे सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं उन सब की एक एक्सपेक्टेशन एक सीए से होती है कि वो जो भी एडवाइस करेगा वो जस्ट इन फेयर होगी। लॉज, जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ के क्षेत्र में हमारा ज्ञान का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होकर काफी सारे एरियाज को कवर करने का प्रयास करता है। टैक्सेस की अगर मैं बात करता हूँ या ऑडिट की बात करता हूँ, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉज के अंदर कवर होती है। जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की गाइडलाइंस स्टैटरी कंप्लायंसेस को करने के लिए दिन प्रतिदिन टाइट होती जा रही है, उस क्षेत्र में लॉ का इन डेप्थ नॉलेज स्टूडेंट को होना सीए बनने के लिए अत्यंत जरूरी है। यू मस्ट बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ द नंबर्स। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल डिजिट नंबर टू द मिलियंस एज वेल एज बिलियन नंबर्स, उसके लिए आपके एक स्किल सेट, जो बेसिक स्किल सेट है कि नंबर्स को देखकर नंबर्स से भागने की बजाय नंबर्स में आपकी इच्छा होनी ज्यादा जरूरी है। यू मस्ट बी अ गुड डेटा माइनर कि आपको अगर 25,000 नंबर दिए गए हैं तो कैसे आप उसको फिल्टर करके या कैसे आप उसमें से कंक्लूसिव रिजल्ट्स निकाल के या अपनी व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट डेटा वो आप उसमें से ड्रैग कर सकें। डेटा माइनिंग स्किल्स आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा पढ़ने से भी आती है, आपके गुड हैंड्स ऑन टूल ऑन डेटा माइनिंग करने से भी आती है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बिग डेटा एनालिसिस, बीडीए जिसे हम बोलते हैं, बीडीए के जो कुछ स्किल सेट्स होते हैं उसको कंप्लीट करने से भी आती है। स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्किंग, सीए कंप्लीट करने के बाद आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप अपने प्रोफेशन में होते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, मैनेजमेंट्स के साथ, कंपनीज के सीनियर मैनेजमेंट के साथ, आपके अपने बैंकर्स के साथ, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की अथॉरिटीज के साथ, लीगल कंप्लायंस हैंडल करने वाले कंसल्टेंट्स के थ्रू, इन सब के साथ आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। प्रोफेशन का अपने समाज में एक अपना स्थान है। उस ऊंचे स्थान होने की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, मेरे क्लाइंट्स की, मैनेजमेंट की, यहां तक कि गवर्नमेंट की भी हमसे एक एक्सपेक्टेशंस होती है। अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने सीए के प्रोफेशन को हाईलाइट किया। उन्होंने बोला कि देश को समृद्ध बनाने के लिए सीए पूरा योगदान दे सकते हैं। सीए के फोर्थ पिलर की वजह से गवर्नमेंट का ये भरोसा होना कि हम कोई भी नया लॉ लेकर आएंगे वो समाज में स्थापित हो पाएगा, वो चल पाएगा, वो हमें विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उसमें उससे हमें मदद मिलती है। सामान्यतः मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक ऑब्वियसली, देन स्पेंडिंग अ टाइम विद माय किड्स, माय टू सन्स एंड माय फैमिली, देन 7:30 आई यूज टू चेक द चैनल्स ऑफ द सीएनबीसी एनजी बिजनेस, सो दैट आई एम अवेयर ऑफ कि करेंसी किस तरफ जा रही है, क्रूड ऑयल किस तरफ जा रहा है और आज के मार्केट लीडर्स शेयर्स कौन से हैं। स्पेंडिंग अ टाइम टिल 7:30 to 8:30, गेटिंग माई सेल्फ रेडी फॉर द ऑफिस, एंड एग्जैक्टली एट 9 आई लीव फॉर द ऑफिस, 9:15, 9:30 आई एम टू द ऑफिस। 9:30 बजे ऑफिस आने के बाद सबसे पहले मैं अपना 1 घंटा अपनी टीम के साथ लगाता हूँ ये जानने के लिए कि आज की उनकी डे प्रायोरिटी क्या है, टास्क ऑफ द डे क्या है और कौन कौन से उनके पेंडिंग टास्क हैं। उसको हर एक सदस्य, जितने मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो अपने पेपर्स पर प्रायोरिटी के हिसाब से डे टास्क को मेंशन कर लेते हैं
और प्रयास करते हैं कि लंच होने तक, लंच के समय तक वो हमारे जो प्रायोरिटी डे टास्क हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं और उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स, चाहे मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं चाहे मेरे वेंडर्स हैं, उनको चला जाए। लंच के बाद का समय उन कार्यों पर हम लोग व्यतीत करते हैं जो कि हमारे ओवर द पीरियड हमारे पास आ सकते हैं, या मैनेजमेंट के वो कार्य जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस के तहत हमें कंप्लीट करने हैं, जैसे जिसमें बच्चों के अकाउंट्स चेक करना, बच्चों के अकाउंट्स को ठीक करना, बैंकिंग स्टेटमेंट चेक करना, बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाना, कॉस्टिंग शीट्स को अपग्रेड करना, बजट को अपग्रेड करना, वी आर वर्किंग ऑन SAP ERP, ERP के अगर कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं उसको अपग्रेड करना, उसको क्लोज करना। सामान्यतः 6:30 बजे हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं विद अ हैप्पी एंडिंग डे। आई होप आई हैव गिवन यू बैलेंस ओवरव्यू ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। थैंक यू।